हेलो दोस्तों, फिर से हम हाजिर एक नई मशीनों के जानकारी के साथ जो मेरे पीछे लगा हुआ है कमस्तु का डोजर, जिसका मॉडल नंबर है D275A मॉडल नंबर है इसका। ये कमस्तु का बुलडोजर है, तो आज हम लोग इसको चलाना सीखेंगे और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्या क्या उनका फंक्शन है, कौन कौन सा लीवर है, क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है, सब फंक्शन के बारे में जानेंगे और इसको हम लोग चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा दिखा देते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे केबिन में और ऑपरेटिंग के बारे में समझेंगे। दो चीज़ों से काम करते हैं इससे, आगा ब्लेड है ये और पीछा जो है इसका रीपर लगा हुआ है, ये ब्लेड और पीछा रीपर। तो चलते हैं ऑपरेटिंग केबिन में और चलाना सीखते हैं। यह ऑपरेटर केबिन है। कुछ फंक्शन के बारे में पहले बता देते हैं और कुछ लीवर के बारे में बता देते हैं, फिर ऑपरेटिंग के बारे में जानेंगे और चलाना सीखेंगे। ट्रेवलिंग और ब्लेड और रीपर सबको स्लो और फास्ट काम करने के लिए यहाँ पे कुछ बटन दिए हुआ है, और नीचे में जो है यहाँ पे ये लाइटिंग का है, और ऊपर में एसी का है ऑफ ऑन करने के लिए, ये डायरेक्शन एसी का चेंज करने के लिए, ये लो और हाई करने के लिए। तो चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग के बारे में जानते हैं, इसको चलाना सीखते हैं। सामने यहाँ इसका चाबी लगता है, एक बार में ऑन होगा, जब दूसरे बार इसको नचाएंगे, ये अभी ऑन हो गया, अभी नचाएंगे ये स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया, छोड़ देंगे चाबी को। सामने डिस्प्ले पे सब कुछ शो करेगा, RPM, डीजल कितना है, टेम्परेचर क्या है, P लिखा हुआ है उसमें, यानी कि पार्किंग मोड में लगा हुआ है, अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ये एक्सीलेटर को फिक्स करने के लिए है, जितना बचा है उतना पे एक्सीलेटर को फिक्स कर सकते हैं और पैर से एडजस्ट करके उसको चलाते हैं। ये पैर से भी एक्सीलेटर का है, ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर का है, और यह ब्रेक है, ये पैर रखने के लिए ऐसे ही है, और यह रीपर का है, ये रीपर का है। यहाँ पर दिया हुआ लोगो यहाँ पर दिखा रहा है कि इसमें चार फंक्शन है, चार फंक्शन इसमें काम करेगा। तो जब आगा करेंगे तो आपका रीपर डाउन होगा, ये देखिए इस तरह बीच में न्यूट्रल हो गया, पीछा करेंगे तो रीपर अप होगा, उठ रहा है रीपर, और जब राइट की तरफ करेंगे रीपर आपका खुलेगा, और लेफ्ट की तरफ करेंगे तो रीपर बंद होगा, लेफ्ट की तरफ करेंगे इधर रीपर आपका बंद होगा, देखिए इस तरह रीपर बंद हो रहा है। यह ब्लेड का है, इसका भी आगा जो है डायरेक्शन दिखाया हुआ है कि कौन कौन सा फंक्शन है, कितना फंक्शन इसमें काम करेगा, चार फंक्शन है इसमें काम करेगा। और इसका लॉक भी है, पहले लॉक हटाना पड़ेगा, ऊपर करेंगे लॉक जो है आपका हट जाएगा, पीछा खींचेंगे ब्लेड ऑफ होगा, ब्लेड ऑफ हो रहा है इस तरह, बीच में न्यूट्रल हो जाएगा, आगा करेंगे ब्लेड डाउन होगा, ब्लेड डाउन होगा। और इसी लीवर को अगर राइट की तरफ करेंगे तो ब्लेड आपका राइट की तरफ मुड़ेगा इस तरह, और लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा इस तरह। दाहिने हाथ के लीवर का फंक्शन तो समझ गए, अब बाएं हाथ के लीवर का फंक्शन समझते हैं। इधर भी एक लीवर है, ये ट्रेवलिंग के लिए रिवर्स और फॉरवर्ड का काम करता है, इसको अभी काम नहीं कराया जब तक हैंड ब्रेक नहीं छुड़ाएंगे, ये हैंड ब्रेक छूटेगा, यहाँ से आगा खींचेंगे हैंड ब्रेक छूट जाएगा, और ये जब आगा करेंगे तो फॉरवर्ड में चलेगा, जब आगा करेंगे तो मशीन आपका फॉरवर्ड में चलेगा, और उसी से स्टेयरिंग का भी काम करता है, बीच में न्यूट्रल हो जाएगा, ये इस तरह राइट लेफ्ट करेंगे तो कटिंग होगा इस तरह लेफ्ट और राइट की तरफ कटिंग करना है तो उसी लीवर को जिधर घुमाएंगे उधर कटिंग होगा, लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो लेफ्ट की तरफ कटिंग होगा, राइट की तरफ घुमाएंगे तो राइट की तरफ कटिंग होगा, वो स्टेयरिंग का भी काम करता है। चलिए और थोड़ा समझते हैं, उसी में और फंक्शन है, ये बटन दिया हुआ है स्पीड को अप और डाउन, नीचे वाला जो है डाउन करने के लिए, ये डाउन का है और ऊपर अप करने के लिए, यानी गियर लगाने के लिए। ट्रेवलिंग के वक्त में स्पीड को स्लो और फास्ट करने के लिए वो गियर है, बटन जो है वो गियर का काम करता है, जब मार्चिंग करते हैं मशीन को तो उससे स्लो और फास्ट करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए थोड़ा काम दिखाते हैं इससे कैसे काम होता है। इस तरह जब भी ब्लेड मारते हैं तो ब्लेड को एक लेवल में रखेंगे तो आपका लेवल जो है बढ़िया निकलेगा, कोई भी चीज़ को जब धक्का दे रहे हो तो ज़्यादा लोड ना दे, शुरू में थोड़ा थोड़ा ही लोड देते हैं ताकि आपका एक लेवल में जो है जिधर कम बेसी हो, अगर ज़्यादा लोड ले रहा हो
तो इस तरह मिला करके लीवर को चलाते हैं और इस तरह जो है आपका लेवल बैठ जाएगा अच्छा से और इस तरह काम होता है। और इसको बीच में करेंगे न्यूट्रल हो जाएगा। और जब भी पार्किंग करें हैंड ब्रेक लगाना ना भूलें। और हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कोई जानकारी के साथ।